नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी दौरे पर जाएंगे, जहां केशव प्रसाद मौर्य कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बता दें कि बीजेपी के जिला प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे डिप्टी सीएम। इसके अलावा परेड कोठी कैंट वाराणसी में प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में भी जाएंगे, साथ ही विभागीय अधिकारियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और अंजनीपुरम कॉलोनी में बीजेपी पदाधिकारियों के घर भी जाएंगे डिप्टी सीएम। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,157 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में एक्टिव केस बढ़कर 19,500 हो गए हैं। बीते दिन 26 लोगों की मौत हो गई है। अब तक कोविड से 5,23,843 लोगों ने जान गंवाई है। भारत में पांच सबसे संक्रमित राज्यों की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा 1,485 केस मिले हैं। वहीं हरियाणा में 479, केरल में 314, उत्तर प्रदेश में 268 और महाराष्ट्र में 169 केस मिले हैं। आसमान से निकल रही आग के बीच अगले 5 दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में आज का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी लोगों को परेशान करेंगी। बीते दिन अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पश्चिमी विक्षोभ की ताजा स्थिति ने लू का प्रकोप झेल रहे उत्तर पश्चिमी भारत को रविवार को राहत दी। हालांकि मध्य भारत और पश्चिमी राजस्थान में झुलसा देने वाली गर्मी का प्रकोप जारी रहने का अनुमान है। अगले 24 से 48 घंटे की बात करें तो मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में कुछ जगह पर तापमान 50 डिग्री तक पहुंचाने की आशंका जताई है। खबर चंदौली से है, जहां गैंगस्टर के घर पर पुलिस की दबिश के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती की मौत के बाद घमासान मच गया। जहां युवती की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम किया, वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए और साथ ही पुलिस की गाड़ी भी तोड़ दी गई। मामले के तूल पकड़ते ही मौके पर डीएम, एसपी और वाराणसी के कमिश्नर और आईजी मौके पर पहुंच गए और मामले को संभालने की कोशिश की। मामले के परिजनों की तहरीर लेकर सैयद राजा थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है और युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया, जबकि घायल युवती को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। इस दौरान सपा के विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव के नेतृत्व में पीड़िता के घर के बाहर बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। एक बहुत दुखद घटना हुई, ये पुलिस के पूरी लापरवाही से यहाँ का HSO उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से कि ये जीरा बदर थे, जैसा वो कह रहे हैं, हम लोग जानकारी तो नहीं है, दीवारटी थे तो इनको सूचना थी, घर पे आए तो जब नहीं थे तो इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए। यहाँ आके बच्चों से मारपीट, महिलाओं से, लड़कियों से मारपीट किया उन्होंने, उनको चोट भी आई है और उसके बाद ये घटना हुई है कि उनकी जान भी चली गई। इसी संबंध में हम सब लोग आए, जब पता लगा तो यहाँ सभी सीनियर अधिकारी भी आए हैं, आईजी साहब भी आए, डीएम एसपी भी आए, जिनसे हम लोगों ने घर के तरफ के लोगों ने मान रखा अपना, तो उन्होंने इस बात को माना भी कि जो इनकी FIR है, जो दरखास्त है, उसके अनुसार हम FIR भी करेंगे। मनराजपुर गाँव में जो पुलिस NBW का तलाशी में यहाँ गाँव में आए थे और यहाँ आने पर जो है वो वारंटी यहाँ नहीं मिला है और उनका बेटी का डेड बॉडी मिलने का जो सूचना मिली है, तुरंत कप्तान साहब को ये सूचना मिली, फिर यहाँ जो है फिर पब्लिक ने जाम लगा दिया। जाम लगाने के बाद एक एम्बुलेंस के साथ तोड़फोड़ किया था और साथ में एक सिपाही और एक होमगार्ड के साथ मारपीट किया और ये परिवारजनों के द्वारा ये आरोप लगाया था। इंस्पेक्टर जो है जब यहाँ वारंट के लिए यहाँ घर पर आए थे तो ये बड़े वाला लड़की जो निशा यादव है उनके साथ मारपीट किया है और मारपीट करने के उपरांत उनका डेथ हो गई। इस तरीके से उनके ऊपर इंस्पेक्टर के ऊपर आरोप लगाया और उनसे तहरीर भी SP साहब के द्वारा प्राप्त किया गया है और उनके विरुद्ध नहीं।
अलीगढ़ के अचल तालाब स्थित रामलीला मैदान में सनातन हिंदू सेवा संस्थान की अध्यक्षता में धर्म संसद का आयोजन हुआ, जिसमें सनातन धर्म को बचाने और बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस दौरान संतों ने कहा कि आज सनातन धर्म बहुत ताकतवर है और आने वाली पीढ़ी इसको समझे। इस दौरान संतों ने और क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। बेटी है, हमारी छोटी बहन है महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती जी महाराज, उन्होंने आज ये धर्म संसद का आयोजन किया है। हमारी चिंता है, जो हमारे धर्म पर खतरे हैं उसके बारे में हमारी चिंता है, उसके बारे में हम लोगों ने चिंतन किया है और अपने धर्म के अनुसार हम किस मार्ग पर चलें कि हमारे बच्चे यहाँ बचे, हमारा देश बचे, हमारा राष्ट्र बचे, उसके बारे में संतों ने चिंतन किया है। मेन उद्देश्य क्या रहेगा आपका? मेन उद्देश्य रहेगा कि सनातन धर्म धरती से कभी भी खत्म ना हो और जो सनातन धर्म को समाप्त करना चाहते हैं उनके बारे में हमारे लोग समझे बातों को। खबर रायबरेली के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइन चौराहे की है, जहां दो युवक जबरन युवती को अपने साथ भगा कर ले जा रहे थे। तभी ये सब देखकर ही स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को पकड़ा और पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी। जबकि मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके सिविल लाइन चौकी में पूछताछ करने के बाद एंटी रोमियो टीम के हवाले कर दिया। रायबरेली के ऊंचाहार सलोन मार्ग पर हनुमानगंज पुल के पास पिकअप में पीछे बैठा एक युवक अनियंत्रित होकर सड़क पर आ गिरा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद परिजन आनंद फानंद में घायल को सीएचसी लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने युवक को देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस दौरान सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर मनोज शुक्ल ने बताया कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। जबकि कोतवाल शिव शंकर सिंह का है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जी नाम, जिनकी उम्र 55 साल, जिलावा गांव के रहने वाले हैं, उनको अभी तकरीबन 4 बजे से सीएम चार लाया गया मृत अवस्था में। परिजन बताया कि इनकी डीसीएम से गिर के सर में चोट आ गई है। गाजियाबाद में एक बार फिर एक मरीज की जान झोला छाप इलाज का शिकार हो गई। घटना गाजियाबाद के मोदी नगर थाने के विजय नगर इलाके की है, जहां 3 दिन से बीमार चल रहे एक युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जांच में शुगर बढ़ी हुई आने पर डॉक्टर ने युवक को एक बोतल खून चढ़ा दिया, जिससे युवक की हालत बिगड़ने लगी और मौके पर उसकी मौत हो गई। वही घटना के बाद अस्पताल पहुंचे हिंदू युवा वाहिनी के नीरज शर्मा ने बताया कि एसके हेल्थ केयर नाम का हॉस्पिटल पूरी तरह से अवैध है, जबकि डॉक्टर के पास कोई डिग्री भी नहीं है। वहीं घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस भी जांच में जुट गई है और युवक के पास से कोई डिग्री नहीं मिली है। तो गाजियाबाद से खबर सामने आ रही है, जहां झोला छाप डॉक्टर की वजह से एक व्यक्ति मौत के मुंह में गया। ये विजयनगर कॉलोनी है गोविंदपुरी की, जहाँ पर एक हॉस्पिटल खुला हुआ है वो भी अवैध, इसमें जो डॉक्टर है जो कोई डिग्री नहीं है, जो उसके यहाँ मेडिकल स्टोर में दवाई पाई गई है वो भी उनकी डेट निकली है सब दवाइयों की। यहाँ पे एक पीड़ित भाई हैं, इनके पापा रात एडमिट किए गए थे यहाँ पे, जिन्हें ब्लड चढ़ाया गया, एडमिट किया गया, जिन पर डिग्री नहीं है वो यहाँ ब्लड चढ़ा रहे हैं, उन्हें एडमिट करके उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जब लगा कि ये खत्म हो चुके हैं जब उन्हें यहाँ से रेफर कर दिया गया। मांग करने के लिए जो डॉक्टर है कार्रवाई हो और जो पीड़ित है उसका पोस्टमार्टम करके जो भी बड़ी की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बिना अनुमति के अवैध रूप से एक अस्पताल संचालित किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस अस्पताल में भी जो डॉक्टर हैं वो झोला छाप है, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। एक युवक की तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि 3 दिन से युवक बीमार चल रहा था, जहां जांच में शुगर बढ़ी हुई आने पर डॉक्टर ने युवक को एक बोतल खून चढ़ा दिया, जिसके बाद युवक की हालत और बिगड़ने लगी, मौके पर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल पहुंचे हिंदू युवा वाहिनी के नीरज शर्मा ने बताया है कि एसके हेल्थ केयर नाम से हॉस्पिटल संचालित हो रहा है, जो कि पूरी तरह से अवैध है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, अवैध रूप से अस्पताल चल रहा है, उसके बाद जो उसमें डॉक्टर रखे गए हैं वो भी झोला छाप है, पूरी जानकारी क्या है, इसकी सुध अभी तक अधिकारियों ने क्यों नहीं ली? देखिए, बता दूं आपको, पूरा मामला गाजियाबाद का है, गाजियाबाद के मोदी नगर का पूरा मामला है, जहां पर एक अस्पताल जो कि बिना डिग्री के संचालित रूप से चल रहा था, कहीं ना कहीं ये एक सबसे बड़ी लापरवाही मानी जा रही है गाजियाबाद के अंदर में, जब एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। वहां पर एक व्यक्ति था जो कि काफी समय से बीमार चल रहा था, उसको
वहीं के डॉक्टरों ने आश्वासन दिया, लगभग ये समझ लीजिए कि उसको काफी दिनों से टालमटोल किया जा रहा था, कहीं ना कहीं उसको आश्वासन दिया जा रहा था कि आपका मरीज जो यहाँ पर आया उसको हम सुचारू रूप से ठीक कर देंगे, जबकि परिजन जो थे उनके लगातार उनके टच में थे, अस्पताल के जो कर्मचारी थे वहाँ के डॉक्टर थे उनसे लगातार उनके हेल्थ के लिए उनकी तबीयत की लगातार वो व्यवस्था को लेकर उनसे बातचीत भी कर रहे थे लगातार उनके टच में थे, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टरों ने अपना एक अपनी डिग्री को लेकर जो कि ये कहते झोला छाप डॉक्टर, कहीं ना कहीं अपनी डिग्री को लेकर या अपने तजुर्बे को लेकर कहीं ना कहीं आश्वस्त था कि हम इस मरीज को ठीक कर देंगे। वहीं जब मरीज ठीक नहीं हो पाता है कहीं ना कहीं उसकी कल अचानक किसी तरह से मौत हो जाती है, लेकिन वहां पर जो परिजन है परिजनों ने साफ तौर पर ये कहा है कि हमारे जो यहाँ पर जो मरीज व्यक्ति थे उनको हमने यहाँ पर एडमिट कराया था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के कारण, ये झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जी प्रवीण, ये मामला संज्ञान में आने के बाद अब पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? देखिए वहाँ पर मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा था, साथ ही साथ वहाँ पर डॉक्टरों की टीम भी पहुंची थी तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। जांच करने के बाद क्योंकि जो ये अस्पताल यहाँ पर एसके हेल्थ केयर के नाम से जो चल रहा था कहीं ना कहीं अवैध रूप से चल रहा था, लोगों को वहाँ की क्योंकि जो गरीब कस्बे का आदमी होता है वो कहीं ना कहीं पैसे को देखता है और कम खर्चे के इलाज की तरफ भागता है, तो कहीं ना कहीं कई ऐसे अस्पताल गाजियाबाद के अंदर है जिसमें जिनको चिन्हित किया जाएगा, साथ ही साथ उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता प्रवीण जुड़े थे। अलीगढ़ में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां थाना अकराबाद क्षेत्र के गंगीरी पनेठी मार्ग शेखा झील के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो भाइयों को रौंद दिया, जिसमें दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया है, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। संभल में भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए जिलाधिकारी ने 24 घंटे के अंदर माफियाओं पर कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है, जिसके बावजूद थाना कैला देवी क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन की जानकारी होने के बाद भी पुलिस माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं अब माफियाओं के हौसले इस हद तक बुलंद हो चुके हैं कि खनन का काम खेतों या गांवों में नहीं बल्कि सड़कों के किनारे खुलेआम चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ई पेंशन पोर्टल का उद्घाटन किया। इस मौके पर संभल के जिलाधिकारी ने पेंशन धारकों की समस्या को सुनते हुए उनके निस्तारण का आदेश भी अधिकारियों को देते हुए कहा कि पेंशन धारकों की समस्याओं का निस्तारण जल्द करें, जिससे उनको पेंशन मिलने में परेशानी ना हो। आगे जिलाधिकारी ने कहा कि ई पेंशन पोर्टल पेंशनरों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आईपीएल 15 में महेंद्र सिंह की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना हैदराबाद सनराइजर्स से हुआ। वहीं इस मैच में धोनी इस सीजन में पहली बार कप्तानी की करते हुए नजर आए। इस सीजन में बतौर कप्तान अपने ही पहले मैच में धोनी को जीत मिल गई। चेन्नई ने इस मुकाबले को 13 रनों से जीत लिया है। 203 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद 6 विकेट खोकर 189 रन ही बना पाई। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।